हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज की वीडियो में बेसिकली मैं लेके निकला हूँ अपनी धन्नो को, क्योंकि भाई देखो प्यार तो सभी करते हैं, इसी का नाम होता है बाइक लवर, मतलब इसी बंदे को कहेंगे। तो अपन जो है आज अपने पुराने प्यार को लेके निकले। देखो देख रहा बंदा पलट के। तो अभी क्या है कि भाई बहुत दिनों को इसको चला ही नहीं थी, तो धूल चाट रही थी गौरव के गन पे। मैंने कहा यार आज लेके निकलता हूँ और थोड़ा सा चला भी लूँगा, क्योंकि गाड़ी चलना ज़रूरी होती है भाई, और चला रहे हैं तो भाई मोटो ब्लॉक तो बनता ही है। अच्छा एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई खड़े खड़े इसकी होगी बैटरी डाउन, और बैटरी डाउन होने की वजह से क्या हुआ है, इसकी लाइट वाइट कुछ भी नहीं जल रही है, क्योंकि LED सेटअप है और DC है वो, तो DC वो चाहिए करंट, और करंट वैसे मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से लाइटें बंद हैं। अच्छा उसके साथ साथ मीटर की लाइट भी बंद है, क्योंकि एक ही साथ कनेक्ट कर रखा है मैंने मामला इसका, ठीक है। तो अभी क्या है कि चलो अभी चला रहा हूँ तो पता चल रहा है कमी, तो फिलहाल इसकी कमी भी दूर करेंगे बहुत जल्द। मैं इसकी जो है बैटरी चार्ज पे दे दूँगा, या फिर चार्ज हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो भाई खड़े खड़े गाड़ी ख़राब ही होती है। एक तरह से एग्जाम्पल देख लो आपके सामने ही है कि अगर आप बाइक को चलाओगे नहीं तो ख़राब ही होनी है, ठीक है, और अगर चलाओगे ज़्यादा तो भी ख़राब होनी है, तो इसलिए मेंटेन करके रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल भाई रात का समय है, अंधेरा हो रखा है, लाइट इसमें वैसे ही जल रही, थोड़ा विज़न का प्रॉब्लम रहेगा, मैनेज कर लेना। बाकी तो भाई दिल्ली में स्ट्रीट लाइट की कमी है नहीं, लेकिन फिर भी भाई कहीं कहीं जगहों पे स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो सकता है। ऑन एंड ऑल बाकी तो ओके फुटेज आ रही होगी आपके सामने। और कल की वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच, कल की वीडियो को आपने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए पॉजिटिव, और बाकी लद्दाख सीरीज़ के लिए तो बहुत सारे बंदे एक्साइटेड हैं। भाई मैं खुद एक्साइटेड हूँ, बस मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से वो टाइम आए मैं निकलूँ, तो बस वही है। और बाकी भाई इसको चला रहा हूँ तो काफ़ी दिनों के बाद बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि इसकी जो हैंडल की जो पोजीशन है ना भाई साहब, कैफे रेसर वाली सेम वही है, और इसमें क्या होता है अपर बॉडी आपकी डाउन हो जाती है, मतलब आगे आपको हल्का लीन होकर चलाना होता है। और अब देखो उसका लुक क्या बात है। तो जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई मैं उनको बता दूं कि ये जो बाइक है ये हीरो की स्प्लेंडर 2007 मॉडल रहने वाली है, ठीक है जी। और इस बाइक को हमने फुल कन्वर्ट किया है कैफे रेसर में, इसकी पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है कैफे रेसर के नाम से, मतलब स्प्लेंडर कन्वर्ट इनटू कैफे रेसर के नाम से, तो भाई आप जाकर देख सकते हो उस बाइक को, मतलब पूरी सीरीज़ को। और बाकी तो भाई बाइक एकदम जहर बनी हुई, जो बात है मतलब हर बंदा देखता है इसको, ऐसी बात नहीं है। ओ भाई साहब छोटी सी बाइक है यार कार वाला भी दिख रहा है मिरर में, पीछे वाले साइड मिरर से अपने, एक छोटा सा सर्किट ले लो, अरे रुक जाओ भाई साहब। ओ बेटे अब स्पीडोमीटर की लाइट ही नहीं आ रही, लेकिन चल रही है बाइक 50 के शुरू पे। ओ अच्छा एक बात है, छोटी है ना बाइक ये, तो इसमें गड्ढे वड्ढे इतने पता नहीं चल रहे क्योंकि पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि एकदम मामला एकदम ओके बैठा रहता है इस पर। ये देखो ये क्या बात है, पता नहीं भाई एंगल क्या मिल रहा होगा आप लोगों को। ओए होए होए क्या बात है दोस्तों, तुम्हारा भाई आ गया मेन रोड पे लेके इसको, और मैं चल रहा हूँ मस्त एकदम यार, अलग ही वाइब्स आ रही चलाने पे इसको, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं क्या ही ले जा रहा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे क्या बात है जी, क्या बात है। स्प्लेंडर वाला भाई देख रहा है अबे तेरी बाइक भाई यही है ये दिन सोच रहा हूँ इसको मैं लेके जाऊँ बाहर, मतलब सुबह के टाइम पे, और इंस्टा 360 चलते हुए शॉट दिखाऊँ आपको कि आगे से पीछे से साइड से कैसा लुक प्रेजेंट करती है चलते टाइम, मतलब जब रनिंग में होती है तो कैसा लुक प्रेजेंट करती होगी, है ना अपने को, तो वो वाले शॉट्स आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा किस दिन निकलूँ सुबह सुबह लेकर इसको, क्योंकि क्या है ना इसकी आगे तो नंबर प्लेट है बट पीछे नहीं है नंबर प्लेट इसके, तो इसकी वजह दिक्कत आती है। मैं सोचता हूँ कि यार ना लेके जाऊँ बाहर, अरे 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 भाई साहब ऑटो वाले भाई साहब, इन्होंने एकदम से इंडिकेटर दे दिया और मुड़ने लग गए। वो तो अच्छा है कि हमारा ध्यान यहाँ था, इतना ध्यान बटा नहीं था हमारा, वरना तो हम बढ़ जाते क्या बात है। फ्लाईओवर पे अच्छे से क्लाइंबिंग कर रही है अपनी धन्नो, एकदम बढ़िया, क्या बात है जी। स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ मैं 65, ठीक है जी, अपना हाइपर स्मूथ ऑन है GoPro का, इस वजह से आपको इतनी जस्टिस नहीं हो पाती होगी, बट 65 जो है चल रही थी, अभी आई है 50, हाँ 50 आ गई, क्या बात है जी।
भगाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि देखो भाई भगाने नहीं है, निब्बा निब्बी। ओए होए बगल में मेरे GT जा रही है BMW की क्लास, बहुत बढ़िया भाई। ना भाई मॉडिफिकेशन को ना लीगली कर देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रखा यार। कर दें तो भाई जो मॉडिफिकेशन करते हैं उनका रोज़गार उनको मिल जाएगा एक तरह से, उन पर अर्निंग हो जाएगी। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार मॉडिफाई बाइक है, कहीं चलान हो गया तो, पकड़ी गई तो, ये हो गया तो, इस चक्कर में भाई कराते नहीं बंदे लोग मॉडिफाई। लेकिन ये है कि अगर मॉडिफाई अलाउ कर देंगे इंडिया में जैसे बाहर कंट्री में होता है, तो ये हो जाएगा कि हर बंदा करा सकता है अपनी मनपसंद बाइक। और प्लस ये है कि जो ये करते हैं उनको रोज़गार मिल जाएगा, है ना भाई। करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो वो चीज़ है भाई। और भाई साहब गर्मी, मैं सोच रहा हूँ वाइजर अपना ऊपर कर दूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि रहने दो यार, मट्टी मुट्टी आएगी आँखों में जाएगी। और लेकिन कारों में से लोग देख रहे हैं ना मेरी बाइक को और मुझे, भाई साहब पता नहीं क्या ही सोच रहे होंगे, अलग अलग गॉसिप कर रहे होंगे मेरे बारे में। लेकिन हम तो निकल जाएंगे छोटी जगह से, ओए 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 ओए। छोटी छोटी जगह से निकल रहा हूँ मैं आराम से जू जू करके। काफ़ी लंबा राउंड ले लिया मैं, काफ़ी आगे आ चुका हूँ घर से भाई अपने, जमकर ऐसा लिया था पूरा बाहर में नहीं आ गया। मेरे को यहाँ पे आके लग रहा है डर कि अगर बैरिकेटर हुआ ना भाई साहब, जो जिसके वजह से ट्रैफिक हो रहा है, अगर बैरिकेटर हुआ तो 100% बाइक बंद है अपनी आज, या तो फाइन कटेगा बहुत तगड़े वाला, या फिर बाइक बंदी हो जाएगी। वैसे तो अभी तक फ़िलहाल नॉर्म्स ये निकल चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो बाइक 15 साल पुरानी है ना, अगर वो पुलिस वालों को दिख गई तो वो उसी टाइम हैंड टू हैंड बाइक को बॉन्ड कर देंगे, उनका ये है नॉर्म्स, ठीक है। और बाकी तो आपके ऊपर है भाई, कैसे हाथ पैर जोड़ोगे आप जो बाइक को छुटवाओगे। फिलहाल वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनको पीछे से आदेश मिल चुका है कि भाई 15 साल पुरानी बाइक आपको मिले हैंड टू हैंड बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बंद करके बाउंड। और उसके बाद जो है वो भाई साहब बैक फायर देख रहे हो, बट पट देखो भाई साहब ऊपर करना, आवाज़ सुनना आ जा, आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओ भाई साहब रेलाइट और पर निकाल लो, चलो 27 सेकेंड है, बहुत है, आराम से जाएंगे। बूम, क्या बात है जी, क्या बात है। मैंने बहुत बड़ा सर्किट ले लिया एक तरह से भाई इस बाइक के साथ, तो बड़ी बात है भाई ये। गली मोहल्ले में चलने वाली बाइक या खड़े खड़े रहने वाली बाइक, क्योंकि महीनों महीनों हो जाते हैं मैं इसको निकालता नहीं हूँ, बस खड़ी रहती है दुकान पे। आप लोग आते हो गौरव की दुकान पर काम कराने, तो वहाँ पे आप लोगों को दिख जाती है, कई लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं, कई लोग रील बना लेते हैं, तो वो चीज़ है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं वीडियो में भी, या फिर वैसे दुकान पे आते हैं तो बोलते हैं भैया बाइक बेचोगे क्या। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि बेच दूँ यार, चल कुछ पैसे आएंगे वो पैसे कहीं और लगा दूँगा, फिर मैं सोचता हूँ कि चल यार खड़ी है तो खड़ी रहने दो, कुछ कह थोड़ी रही है, और कभी कभी चला ही लेते हैं इसको, है ना। तो इस वजह से मैं इसको बेचता नहीं हूँ। और वैसे भी यार इसमें देखो पैसा मैंने ठीक ठाक लगाया था, पता नहीं वो पैसा उतना पैसा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें भी हैं, और फिर बात पैसों की भी नहीं होती, बात इमोशंस ही होती है भाई। इमोशन जुड़े हैं इस बाइक के साथ, ये अपनी धन्नो है, भले ही कैफे रेसर बन चुकी है लेकिन धन्नो तो धन्नो ही है ना, धन्नो जवान है अपनी, अभी भी चलती है, दोनों पैरों पर खड़ी है अपने। क्या बात है, क्या रोर रही है भाई, गुर्राब दिखा रही है। ओम फो, यहाँ से लेंगे अपन राइट। ओह रेलाइट भी हो गई, क्या जबरदस्त किस्मत है भाई। हट जाओ, हॉर्न भी नहीं है हमारी गाड़ी में तो। तो बस ऐसी सर्किट लिया था मैंने, कहा यार चलो आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी और प्लस वीडियो भी बन जाएगी। ले भाई साहब लाइट भी चली गई लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की लाइट भी चली गई, मैं कह रहा हूँ अंधेरा ले, पहले अंधेरा कम था और हो गया। आज देख रहे हो डार्क डार्क व्लॉग है, डार्क नाइट व्लॉग, डार्क फैंटेसी हो गया। ओए ओए, कभी कभी रात के मजे भी लेने चाहिए नहीं। अगर ये बाइक के नंबर प्लेट नंबर प्लेट सब कुछ लगी होती है INT वाली, और इसका एग्जॉस्ट वाला लगा होता है नॉर्मल वाला, और ये बाइक मतलब थोड़ी सी लीगली होती बनी हुई, मतलब रोड लीगल होती, तो भाई इसको मैं लेके भाई CPUP जाता, इंडिया गेट जाता, और पुलिस वाले खड़े होते उनके सामने निकालता यूँ करके, हैं यूँ करके, कैसे यूँ करके, फिर वो डंडा करते हैं यूँ करके, इधर आ भाई इधर आ, साइड लगा गाड़ी,
पेपर ले छोटू। अरे सर पेपर तो ख़त्म होगा इसके, गाड़ी हो गई पुरानी यार ये। ओ बेटे खेचा, क्या बात है जी क्या बात है। पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी थी पता है लेफ्ट साइड में, आप में से किसी ने नोटिस नहीं किया लेकिन मैंने किया, और मैंने उस टाइम ना बस रेस छोड़ के दबा लिया, मैंने बंद करा आवाज़ बंद करा आवाज़ बंद करा। तो वो चीज़ है भाई, तो मैंने अच्छा खासा सर्किट ले लिया और अपनी बाइक चलने में माशाल्लाह से आज भी वैसी चल रही है जैसे पहले चलती थी, कोई दिक्कत नहीं आई है। बस दिक्कत आई है इसकी बैटरी में और थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक चीज़ों में जो कि लाइट वाइट नहीं चल रही है ठीक है, बट ये कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखो छोटू दिख रहा है। तो सीन ये है कि बहुत बड़ी चीज़ ऐसा इशू नहीं आया बाइक के अंदर खड़े खड़े, फिलहाल जो है लाइट नहीं चल रही मीटर की, हेडलाइट नहीं चल रही है, तो इस वजह से ये सब चीज़ें हैं चेक करा लेंगे अपन, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिनों में इसकी सर्विस भी कराई जाए, सर्विस कराएंगे वहाँ से जहाँ से अपना मन करेगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार सर्विस ना सर्विस सेंटर से ही कराऊँ, ऑथराइज सर्विस सेंटर से, ताकि वहाँ के जो मैकेनिक हैं उनका रिएक्शन नोट करूँ। तो दोस्तों आप एक काम करना, इस वीडियो में कमेंट करना कि सर्विस सेंटर में कराऊँ या बाहर कराऊँ। देखो सर्विस सेंटर कराऊँगा ना तो वहाँ के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं तो उनका रिएक्शन देखेंगे, भाई रिएक्शन कैसा आ रहा है इस बाइक को लेकर, वो देख के कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं अभी से सोच सोच के मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है कि उनका रिएक्शन क्या आने वाला है। अरे भाई साहब आराम से हेलमेट भी लगाया आपने, तो वो चीज़ है ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाली वीडियो बनाऊं सर्विस वाली या नहीं बनाऊं ठीक है। बाकी इसी नोट पे वीडियो को एंड करता हूं, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे छोटू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। और आज की वीडियो कैसी लगी बताना, बस खाली ये था कि इसको चलाना था और मैंने कहा वीडियो बन जाएगी इसलिए, क्योंकि भाई देखो डेली वीडियो बनाना मजाक नहीं होता। आप सोचते हो कि अभी वीडियो बना दी, लेकिन डेली अगर वीडियो बनाने जाओ ना तो पता चलता है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। बम 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 बम।